अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह हो, एक जज्बा हो, स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, तो आपको जीवन में तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम बात करेंगे मथियास स्टीनर की, जो कि जर्मनी की तरफ से एक वेटलिफ्टर थे और उन्होंने कई इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। बात है सन 2008 से 1.5 साल पहले की। मथियास स्टीनर की अपनी वाइफ के साथ चर्चा हो रही थी और उनकी पत्नी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि आप सन 2008 में होने वाले बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतें। इस पर मथियास स्टीनर ने अपनी पत्नी को वादा करते हुए कहा कि मैं ऐसा जरूर करके दिखाऊंगा। लेकिन उस वाकया के 6 महीने बाद मथियास स्टीनर की वाइफ की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, जिसने उस खिलाड़ी को बुरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन अपनी पत्नी को किया हुआ वादा पूरा करने के लिए मथियास स्टीनर ने पूरे जोश और होश के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी और फिर समय आया 2008 बीजिंग ओलंपिक्स का, जब उनकी परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने अपना पहला अटैम्प्ट किया, पहला अटैम्प्ट फेल हुआ। उनका दूसरा अटैम्प्ट हुआ, उसमें भी वो फेल हुए। वो 250 किलो के वजन के लिए अटैम्प्ट कर रहे थे और वो 2 बार फेल हो चुके थे और इससे पहले उन्होंने कभी 250 किलो का वजन उठाया भी नहीं था। लेकिन अब तीसरा और आखिरी अटैम्प्ट आ गया और अब उन्होंने अपने जीवन में कुछ करके दिखाना था। और जब उन्होंने तीसरी बार अटैम्प्ट किया तो उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया और इस 250 किलो के वजन को, यानी कि 2.5 क्विंटल के वजन को अपनी पत्नी के लिए उठा दिया। और ये एक ऐसा क्षण था जब उन्हें अपने ऊपर भी विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि शायद मैं ये वेट उठा भी ना पाता या मैं ये गोल्ड मेडल जीत भी ना पाता अगर मैंने अपनी पत्नी को ये वादा ना किया होता। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे जीवन में कुछ टारगेट्स हों और हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर हो और हमारे अंदर एक जज्बा हो, तो हम मथियास स्टीनर की तरह अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद।